क्लास फोर्थ स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। अब आपको पाठ एक का जो कार्य करना है वो है भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। अब आपकी किताब में ऐसे ये चित्र दे रखे हैं, उर्दू भाषा का है, पंजाबी भाषा का है, गुरुमुखी, और फिर अभी है उनका बांग्ला वीडियो भाषा पर आ का। गया। इसलिए आपको क्या करना है कि ये आपके पास यदि किताब है तो आप किताब में ऐसे लिख सकते हो, लेकिन यदि आपके पास कॉपी में भी ये कार्य करना है आपको, तो कॉपी में आपको ऐसे करना है। पहले आपको लिखना है भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए, हेडिंग लिख दी। फिर तो उसके बाद भाषा एक तरफ लिखना है, लिपि तो उर्दू भाषा के नीचे लिखना है उर्दू, फारसी लिपि है उसकी फारसी, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी, बांग्ला की बंगाली, गुजराती की देवनागरी, मराठी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी। तो ये आप कॉपी में इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद आपका एक कार्य है जिसका नाम है शुद्ध वाक्यों को लिखो। कुछ आपकी कॉपी में किताब में जो है अशुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं, उनको आपको शुद्ध करके लिखना है, सही करके लिखना है। गलत तरीके से वो लिखे हुए हैं, अशुद्ध का मतलब थोड़ा गलत लिखे हुए हैं, उनमें कुछ गलतियां हैं, वो आपको सही करनी है। जैसे क है राधा से गिलास टूट गई, तो लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, टूट गई नहीं होता। क्या होता है शुद्ध वाक्य, क्या है? राधा से गिलास टूट गया। बच्चों आपकी कॉपी का पेज छोटा होता है तो आपकी कॉपी में यदि ये नहीं आ पाएगा, आमने सामने नहीं आ पाएगा, आप ऐसे करके लिख सकते हो। एक तरफ एक लाइन में लिखोगे अशुद्ध वाक्य राधा से गिलास टूट गई, और नीचे लिखोगे फिर शुद्ध वाक्य राधा से गिलास टूट गया। ठीक है। दूसरा है तारे आसमान के लिए चमकते हैं, तो आपको इसको शुद्ध करके लिखना है। आप आसमान में तारे चमकते हैं ये भी लिखेंगे। ठीक है। शुद्ध वाक्य करके क्या लिखना है आपको? आसमान में तारे चमकते हैं। तीसरा है आपका हम पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो हम की जगह आप मैं लगा सकते हो, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, या हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, लेकिन आपको लिखना है मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। शुद्ध वाक्य क्या है आपका? मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। फिर आपका है घ नेताजी मंच पर आ गया है, उत्तर लिखना है आपको इसका सही करके, नेताजी मंच पर आ गए हैं।